हाथरस में बहुत बड़ी घटना हो गई है। सत्संग के दौरान भगदड़ से अब 27 लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी लाशें एटा जिला हॉस्पिटल पहुंची। राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने इसकी पुष्टि कर दी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना दोपहर के पहले की। लखनऊ में ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त DGP मुख्यालय को इसकी भनक काफी बाद में लगी। उत्तर प्रदेश हाथरस के ट्रामा सेंटर सिकंदराव पर लाशों का ढेर लगा है। सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सत्संग स्थल से जो यहां आ रहा था उसे रेफर कर दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हाथरस हादसा अपडेट से हम योगी ने मंत्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह, चीफ सेक्रेटरी एवं DCP को मौके पर भेजा। सत्संग पंडाल पर अभी भी हालात साफ नहीं है। वहीं मरने वालों की लाशें पड़ी बताई जा रही है। लाशें टेम्पो और दूसरे वाहनों से जरिए मोर्चरी भिजवाई जा रही है। घटनास्थल पर संसाधनों का अभाव है। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 150 चले गए, कितने लोग आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए। और यहाँ कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको डिमांड नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दे में बताइए, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना डरो ना मंत्री, एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, CMO साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। ऑक्सीजन लगी सिकंदरा राहुल के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंचे हैं, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है और भी जनपदों में, ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों को मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सब कितने हैं सर। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता है?